एलियन 4 सीरीज की सीजन 3 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक आपस में फाइट दिखाई जाती है। एक तरफ होता है विलगैक्स और दूसरा तरफ होता है पोरम जैसा देखने वाले लड़की के बीच में। एक शख्स को विलगैक्स ने वहाँ पर घायल कर दिया था और उसी को बचाने लेके वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन विलगैक्स उसी को उठाकर वहाँ पर फेंक देता है और उसको भी घायल कर देता है। और विलगैक्स ने इन सारे को यहाँ पर घायल कर चुका था, क्योंकि इस प्लैनेट में विलगैक्स इसलिए आया था कि इस प्लैनेट को योद्धा को वो हरा सके। वहाँ पर अल्टिमो भी आता है, इस प्लैनेट की सबसे ताकतवर वो अल्टिमो था, और वो गुस्से में आता है और विलगैक्स को कहता है, विलगैक्स तुम हमारे प्लैनेट पर कब्जा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें हराऊंगा क्योंकि मैं इस प्लैनेट की सबसे ताकतवर हूँ। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, लेकिन विलगैक्स उसको चुटकियों में हरा देता है। विलगैक्स अब कितने ज्यादा पावरफुल बन चुका है यहाँ से हम जान सकते हैं। अल्टिमो को नीचे कुचलते हुए कहता है कि तुम अब हार चुके हो और हार भी मान लो। हालांकि अल्टिमो बहुत इंजर्ड हो चुका था और वो उसको वार भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए उसको खड़ा होता है और विलगैक्स के साथ लड़ाई करता है, लेकिन विलगैक्स उसको पूरी तरीके से हरा देता है। हालांकि यूनिवर्स में एक फाइट की भी एक नियम थी, जिस नियम के अनुसार अगर किसी भी प्लैनेट के सबसे बड़ा योद्धा को किसी भी प्लैनेट की सबसे बड़ा योद्धा हरा दिया तो उस प्लैनेट की वो कब्जा कर सकता है और वो प्लैनेट उसी को ही हो सकता है। और इस वजह से विलगैक्स अब इस प्लैनेट को अपनी तरफ लेना चाहता है और उसने इस प्लैनेट के सबसे बड़ा योद्धा अल्टिमो को भी हरा दिया। साइफन वहाँ पर एक मशीन लेके आता है, वो मशीन किसी भी एनर्जी को सोख सकता था और इसीलिए उस अल्टिमो के ऊपर वो लगा देता है, जिस वजह से अब विलगैक्स के पास भी उस अल्टिमो की पूरी पावर आने वाली थी। और वो कहता है कि अब 10 दुनिया की सारी पावर अब मेरी है। अल्टिमो की पूरी पावर वो छीन लेता है। इसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, अब मैं अपनी बदला ले सकता हूँ। और वो साइफन को कहता है अब हम अर्थ पर जाएंगे और वहाँ के सबसे बड़े हीरो बेन टेनिसन को मैं खत्म करूंगा। दूसरी तरफ हमें ग्वेन टेनिसन को दिखाई जाती है जो सरपंच के साथ फाइट कर रही होती है। वहाँ पर केविन रॉबिन भी आया होता है। केविन रॉबिन और ग्वेन मिलके सरपंच के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन सरपंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो ग्वेन टेनिसन और केविन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है और ग्वेन टेनिसन और केविन हार रहे होते हैं। तभी हमें बेन टेनिसन को दिखाई जाती है जो बेड में लेटे हुए स्मूदी खा रहा होता है। वहाँ पर एक एलियन टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और वो एलियन कहता है, तुमने हमें बचाया है, हमारी प्लैनेट को बचाने के लिए हम तुम्हें एक मेडल देना चाहते हैं। हाइब्रिड के हमले से हमें बचाने के लिए ये मेडल आप स्वीकार करो। और वो मेडल उसको पहनते ही वहाँ से चला जाता है। तभी ग्वेन टेनिसन उसको कॉल करती है और कहती है कि बेन टेनिसन तुम कहाँ पर हो। तभी टीवी में एक सुमो स्लैमर्स की मूवी आने वाली थी, इस चीज को देख के बेन टेनिसन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन ग्वेन टेनिसन कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी से आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन बेन टेनिसन मना करता है कि मैं सुमो स्लैमर्स देखूंगा। आप ग्वेन टेनिसन गुस्सा करते उसको बुला लेती है। बेन टेनिसन को अब जाना पड़ता है, इस वजह से वो एलियंस डेटरी में ट्रांसफॉर्म होता है और जल्दी पर वहाँ पर पहुँच जाता है। तब तक वो कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उस सरपंच के ऊपर से गुजरता है, जिस वजह से सरपंच में बुरी तरीके से एक ही झटके में हार जाता है। इतने देर तक उन दोनों ने इसको हरा नहीं सकता था, लेकिन बेन टेनिसन आके एक ही झटके में उसको हरा दिया। इस बात से बेन टेनिसन बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने यूनिवर्स को भी बचाया है, वो खुद की ही तारीफ कर रहा होता है। इस चीज को सुनते उन दोनों पक चुके थे, क्योंकि इस बार नहीं, उसने कई बार अपनी खुद की तारीफ की है, इस बात से तारीफ की है कि उसने यूनिवर्स को बचाया है। दूसरी तरफ हमें गेम्पा मैक्स और उसकी प्लम्बर्स की बच्चे दिखाई जाती है। उन सभी लोग आ रहे होते हैं, तभी उनसे एक सिग्नल मिलती है जो सिग्नल अर्थ पर हमले होने की सिग्नल होती है। इस वजह से उन सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ एलियंस आए हुए हैं। अब हमें साइफन को दिखाई जाती है जो अर्थ पर आ चुका था, वो इस मशीन को भी लेकर आया था। साइफन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर चुकी थी और इस बात से साइफन को गुस्सा आता है। वो अपनी बॉम्ब निकालता है, इस पुलिस की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा ब्लास्ट होता है कि आसपास के सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी सारा कुछ डिस्ट्रॉय के साथ वहाँ पर विलगैक्स की आइकॉनिक लेवल की एंट्री होती है और इस एंट्री के होते हुए वहाँ पर गेम्पर मैक्स भी पहुँच जाते हैं, उसके साथ प्लम्बर्स भी। आते हुए गेम्पर मैक्स उसको सावधान करते कहते हैं कि विलगैक्स तुम यहाँ से चले जाओ और हमें कमजोर भी मत समझना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विलगैक्स उसको रिप्लाई में कहता है कि मैं इस अर्थ को अब कब्जा करने वाला हूँ। और विलगैक्स के ऊपर उन सभी लोग हमला करते हैं, लेकिन ग्रैंपा मैक्स उन सबको रोक रहे थे। तभी उन सभी लोग नहीं मानते और कूपर तो सबसे पहले जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन विलगैक्स एक मच्छर को मारते ही उतारा कूपर को भी यहाँ पर एक ही झटके में खत्म कर देता है। यहाँ पर कूपर की हालत खराब हो जाती है और एक एक करके सारी प्लम्बर्स बच्चे को सभी को बुरी तरीके से पीट देता है और इंजर्ड कर देता है। और इस बात से ग्रैंपा मैक्स को पता चलती है कि विलगैक्स कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है
और उसको ये भी बात पता चलती है कि उसने 10 दुनिया की सारी खतरनाक हीरो को हरा कर उसकी पावर भी एब्जॉर्ब कर लिया है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इतने सारे प्लमर्स होने के बावजूद भी उस विलमैक्स को उन सभी लोग एक खरोच भी नहीं ला पाए और इस वजह से गेमरमैक्स को पता चलती है कि विलमैक्स कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। एक्सेलरेट जितनी टक्कर देने के लिए उसकी आंखों से एक लेजर थी जो एक्सेलरेट को भी टक्कर देती थी और उसके पास एक सील भी थी जिस सील से वो किसी को भी डिफेंड कर सकता है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी था, स्वॉर्ड की मदद से वो किसी को भी हरा सकता था। ये पावर देख के गेमरमैक्स शॉक में आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बेन टेनिसन गोइनेट कैबिन देखा जाती है जो उन सभी लोग आराम से मिस्टर स्मूदी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर भी बेन टेनिसन अपनी तारीफ कर रहा होता है उन दोनों को, ये बहुत गुस्सा आता है इसीलिए मिस्टर स्मूदी उसके सर के ऊपर फेंक देती है। इस वजह से बेन टेनिसन को गुस्सा आता है, उन सभी लोग आपस में मजाक कर रहे होते है। तभी एक कॉल आता है जो गेमरमैक्स ने की होती है और उन तीनों को अलर्ट करता है कि विलमैक्स फिर से वापस आ चुका है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन चुका है। बेन टेनिसन रिप्लाई में कहता है कि मैंने तो उसको बचपन में स्पेस में फेंक दिया था, वो फिर से कैसे आया। लेकिन गेमरमैक्स उसको रिप्लाई में कहते हैं हाँ पता नहीं वो कैसे आए लेकिन वो तुमसे बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन चुका है, इससे तुम अलर्ट रहना और सावधान बरतना। यहाँ पर मेन मुद्दे यहाँ पर ये आती है कि विलमैक्स इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और विलमैक्स को बेन टेनिसन ने बचपन में एक बार भी हराया था लेकिन इस बार भी पूरी कॉन्फिडेंस था कि बेन टेनिसन विलमैक्स को हरा सकता है। और यहाँ पर गेमरमैक्स ये बात करते हैं कि विलमैक्स इतना मामूली नहीं बन चुका है, वो बहुत खतरनाक बन चुका है। बेन टेनिसन और केविन तो विलमैक्स से डर रहे थे लेकिन बेन टेनिसन नहीं डरा था क्योंकि उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस था। वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है मैंने यूनिवर्स को बचाया है, विलमैक्स तो क्या ही बात है, विलमैक्स को भी चुटकियों में हरा सकता हूँ। अब इन सभी लोग एक जगह पर आके डिस्कसिंग करते हैं कि विलमैक्स को किस तरह की हरा जा सके। विलमैक्स बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पर केविन को एक खुराफाती आइडिया आता है और कहता है कि हम इसकी मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर सकते हैं और वो अपने एक अड्डे में लेकर जाता है। बेन टेनिसन भी इस बात में एग्री करता है लेकिन बेन टेनिसन इस बात में एग्री नहीं कर रही होती है। लेकिन बेन टेनिसन कहता है कि अगर मैं ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर सकूं तो यहाँ पर रहे हुए सारी एलियंस की मैं पूरी पावर यूज कर सकता हूँ और इसीलिए हमें ये काम करना ही चाहिए। केविन भी इस पर एग्री कर रहा होता है, कहता है कि मैं इसका मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर सकता हूँ, इसके सेफ्टी फीचर्स के पार करें तो हम मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर सके। हालांकि इन सभी लोगों को ये पता नहीं था कि अगर इस पर कामयाब नहीं हुए तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत बुरी तरीके से होगा और इस वजह से बेन टेनिसन इसको मना कर रही होती है। ओमनीट्रिक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर अजमत की होलोग्राम निकल के आती है और उसको ये बताती है कि बेन टेनिसन तुमने अभी अभी जो भी काम करने वाले हो तो ये सारा काम तुम फौरन रोक दो क्योंकि अब इसकी बुरी परिणाम भी हो सकती है, तुम्हें मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने में इजाजत नहीं है। अजमत बेन टेनिसन को साफ साफ कह देते हैं कि तुम मास्टर कंट्रोल अनलॉक करने के काबिल नहीं हुए हो और इस वजह से बेन टेनिसन को भी गुस्सा आता है क्योंकि उसने कई सारे यूनिवर्स को भी बचाया है। इस चीज को अलर्ट करते हुए होलोग्राम गायब हो जाता है और केविन इलेवन और बेन टेनिसन भी डर रहे होती है और बेन टेनिसन खुद ब खुद उस ओमनीट्रिक्स के ऊपर छेड़छाड़ करता है, कहता है कि मैं इसको खुद ही ठीक ठाक कर सकता हूँ। केविन इलेवन भी अजमत की बात है मानने की उसको रिक्वेस्ट करता है लेकिन बेन टेनिसन नहीं मानता, कहता है कि मैं अब इस ओमनीट्रिक्स को खुद ही मास्टर कंट्रोल अनलॉक करूंगा और एक स्विच को दबाता है जिस वजह से ओमनीट्रिक्स के ऊपर कुछ छेड़छाड़ होने लगती है। अब इस छेड़छाड़ बहुत ब्लास्ट भी होने वाला था और इस वजह से बेन टेनिसन दोनों को पीछे हटने के लिए बोलता है लेकिन केविन इलेवन कहता है कि वहाँ से जल्दी हटो। बेन टेनिसन कहता है मेरे हाथ यहाँ से निकल ही नहीं रहा। वहाँ पर ओमनीट्रिक्स पूरी तरीके से ओवरलोड हो जाता है और इस वजह से वो अपने हाथों को निकल नहीं पा रहा था। केविन इलेवन उसके सामने जाता है उसको खींचने की कोशिश करता है लेकिन ओमनीट्रिक्स निकल नहीं रहा था, वो पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुका था और वो एक फटने वाला था। इसकी बाद वाली स्टोरी की आपको एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करना।